भारतीय जेलों में कैसी होती है कैदियों की जिंदगी? जिंदगी तो एक गुलाम भी जी लेता है, लेकिन ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब जहां पर आपको आजादी ना मिले। जी हां, आजादी एक ऐसी चीज है जो कि सबको चाहिए होती है, लेकिन जेल के अंदर कैदियों को ये नहीं मिलती। खाना पीना दवाई और सोने के लिए बिस्तर सब मिल जाता है, तो फिर किस बात के लिए जेल का खौफ सबके अंदर होता है? जी हाँ, ये है आजादी। खुले में ना घूमने की आजादी, अपनी मर्जी की चीज करने की आजादी छिन जाना। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय जेलों की सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज हमारा कानून काफी सख्त हो गया है, आज हमारी कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। पर क्या आप जानते हैं कि एक जेल में रह रहे कैदी की आम रूप से क्या जिंदगी होती है? अगर नहीं जानते तो हम आज आपको बताएंगे जेल कैसा होता है। आज हम जेल की जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि जेल के अंदर जिंदगी कैसी होती है और जेल के अंदर कैदी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। कोर्ट जेल के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं कैदी को मिलती हैं? जेल अंदर से काफी बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। और भी क्राइम करके जेल के अंदर जाते हैं, उनसे काम करवाया जाता है, उसी के बदले उनको खाना पीना मिलता है। जेल राज्य सरकार के अधीन काम करता है। जेल की जो पुलिस होती है नॉर्मल पुलिस से अलग होती है, इसका प्रशासन पूरी तरह से सरकार के अधीन होता है। आपको जेल में पुलिस वाले कम मिलते हैं क्योंकि अंदर के काम कैदी ही करते हैं। जब शुरुआत में नया कैदी जाता है तब उसे नंबर नहीं दिया जाता है, तब उनकी सजा ज्यादा दिन की होती है, तब ही उनको नंबर दिया जाता है। जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, जब कोई बहुत बड़ा क्राइम करता है या फिर उसे ज्यादा दिन की सजा होती है तभी उसे नंबर दिया जाता है, लेकिन 10 से 15 दिन या फिर कुछ दिन की सजा वाले कैदी को नंबर नहीं दिया जाता। दोस्तों, जेल में भी अलग अलग जगह होती हैं जहां पर कैदियों को रखा जाता है। जैसे कि अगर कोई खतरनाक कैदी है तो उसे अलग रखा जाता है और कम सजा वाले कैदी को अलग रखा जाता है। साथियों, एक कैदी के दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती है, जब पहला पचासा बजता है, यानी कि जेल में रहने वाले कैदी को सुबह 5 बजे उठाया जाता है। उसके बाद 5 से 6 बजे तक उसको नित्य कर्म से अनवरत होने का समय दिया जाता है। फिर कैदी को कारागार परिसर में इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर उनकी हाजिरी ली जाती है। इसके बाद जिस कैदी की कोर्ट में पेशी होनी है उनको सूचना दी जाती है कि आज आपकी पेशी है, और बाकी कैदियों को प्रार्थना करवाई जाती है। प्रार्थना के बाद कैदी को चाय नाश्ता दिया जाता है, जिसमें चाय के साथ कभी ब्रेड, कभी बिस्किट तो कभी दलिया दिया जाता है। नाश्ते के बाद कैदी को काम दे दिया जाता है, जिसमें उसको 3 घंटे यानी कि 11 बजे तक काम कराया जाता है, जिसमें अलग अलग कैदी को अलग अलग काम दे दिए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों को पानी देना, कारागार परिसर की सफाई करना, जैसे अनेक काम होते हैं। जो कैदी काम नहीं करना चाहता उसको जेल प्रशासन को काम ना करने के बदले पैसे देने पड़ते हैं। सुबह 11 बजे दूसरा पचासा बजता है, जिसमें कैदी को सुबह के भोजन के लिए बैरक से रसोई घर के पास बुलाया जाता है और सभी कैदियों को भोजन कराया जाता है। भोजन का समय 11 से 1 बजे तक का होता है। इस कालक्रम में कैदी कभी भी भोजन कर सकता है। भोजन, कैदियों को दिया जाने वाला भोजन काफी हल्का भोजन होता है। उसे भोजन में कैदी को 4 रोटी के साथ चावल, दाल और कभी कभी दलिया परोसा जाता है। ये भोजन निम्न स्तर का भोजन होता है, जिसकी वजह से कई बार कैदियों के बीमार होने की भी शिकायतें आती रहती हैं। दोपहर 1 बजे तीसरा पचासा बजता है, जिसमें कैदी को अपना अपना कोई काम बचा है तो उसको करने का समय दिया जाता है। इस समय कैदी कारागार पुस्तकालय में पढ़ सकता है, किसी लाइब्रेरी में लिख सकता है, या फिर कुछ कैदी अपने अपने कपड़े और कंबल भी धोते रहते हैं। कई बार तीसरे पचासे में भी कुछ कुख्यात बदमाशों से काम करवाया जाता है। चौथा और अंतिम पचासा शाम 5 बजे बजता है, जिसमें सभी कैदियों को अपनी अपनी बैरक की तरफ लौटने के लिए कहा जाता है। फिर सभी कैदियों की एक बार गिनती की जाती है। इसी समय जिस कैदी के रिहाई के आदेश पास हो चुके होते हैं उनको रिहाई की सूचना दे दी जाती है कि आपकी रिहाई कल होने वाली है। फिर जिन कैदियों को खाना बनाने का काम दिया गया है उनको खाना बनाने के लिए लगा दिया जाता है। खाना बनाने व खाना खाने का समय 8 बजे तक का रहता है। शाम के खाने के मेन्यू में 6 रोटी के साथ दाल व कभी कभी सब्जी दी जाती है। खाना खाने के बाद सभी कैदियों को अपनी अपनी बैरक में डाल दिया जाता है और कारागार के अंदर के परिसर की लाइट बंद कर दी जाती है, और यहीं से कैदी का दिन समाप्त हो जाता है और अगला दिन उठते ही वही दिनचर्या कार्यक्रम फिर से लागू हो जाता है। बैरक,
कुछ साथियों के मन में ये सवाल उठता रहा होगा कि बैरक क्या होती है, तो इसका जवाब है जिसमें कैदी को रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है वो हॉल या कमरा जिसमें कैदी को बंद रखा जाता है। इस बैरक में ही कैदी को पीने के पानी की एक मटकी और एक ग्लास दिया जाता है। इसके अलावा खाना खाने के लिए एक थाली दे दी जाती है। कपड़ों में पहनने के लिए कुर्ता व बिना नाड़े का पजामा दिया जाता है। कैदियों के अपराध के अनुसार उन्हें अलग अलग बैरकों में रखा जाता है और हर कैदी को अपना अपना नंबर दिया जाता है, जिसे हम आम तौर पर कैदी नंबर के नाम से पुकारते हैं। नियम। ये तो स्वाभाविक है कि अगर जेल में नियम ही नहीं होंगे तो फिर वो जेल नहीं कहलाएगी। इसलिए जेल में नियम भी होते हैं और वो भी बड़े ही सख्त। जेल परिसर के अंदर पैसे रखना मना है। कारागार कैंटीन में अपनी ही टोकन करेंसी चलती है। जेल में हाथ में कलाई घड़ी, सोने के आभूषण व माचिस, अपना पेन व चम्मच भी रखना मना है। जेल में परिजनों को मिलने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। इसके अलावा जिस कैदी के परिजन मिलने में असमर्थ हैं, उनको हफ्ते में एक बार फोन पर बात कराई जाती है। अगर किसी कैदी का परिजन बाहर से खाना, अचार, प्याज या नाश्ता कैदी के लिए लाता है तो उसको कैदी को देने से पहले जेल प्रशासन को एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। अगर परिजन पैसे नहीं देते तो उनके सामान को वापस लौटा दिया जाता है। अगर कोई कैदी जेल प्रशासन के नियमों की पालना नहीं करता है तो उसको पीटा भी जाता है। जेल के अंदर काफी डरावना माहौल रहता है। दोस्तों, पहले के समय में सुबह के वक्त जगाने के लिए ना तो हमारे पास घड़ी होती थी ना ही मोबाइल फोन। उस दौरान सभी लोग मुर्गे की बांग पर जाग जाया करते थे। ऐसा ही कुछ उन दिनों जेल में भी होता था, लेकिन आज ये भले ही पीछे छूट गया हो, पर जेलों में बंदियों को जिम्मेदारी और वक्त का एहसास घंटे की गूंज पर होता है। हर 60 मिनट के बाद बजने वाला घंटा उन्हें समय बताता है, वहीं 50 की एक मुश्त गूंज उन्हें उनकी जिम्मेदारी बताती है। भारतीय जेलों में ठूंस ठूंस कर भरे कैदी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जेलों में कैदियों की संख्या के लिहाज से ये छोटी पड़ रही हैं। भारतीय जेलों में क्षमता से 14% ज्यादा कैदी रह रहे हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ और दिल्ली सबसे आगे हैं, जहां की जेलों में क्षमता से 2x कैदी ज्यादा हैं। दोस्तों, मेघालय की जेलों में क्षमता से 77.9% ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 68.8% और मध्य प्रदेश में 39.8% ज्यादा कैदी हैं। शुद्ध संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र का स्थान था। बिहार में कुल कैदियों के 82% विचाराधीन कैदी थे, जो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा था। भारतीय जेलों में बंद 67% लोग विचाराधीन कैदी हैं, यानी वैसे कैदी जिन्हें मुकदमे, जांच या पूछताछ के दौरान हवालात में बंद रखा गया है, न कि कोर्ट द्वारा किसी मुकदमे में दोषी करार दिए जाने की वजह से। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भारत की जेलों में ट्रायल या सजा का इंतजार कर रहे लोगों का प्रतिशत काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में ये 11%, अमेरिका में 20% और फ्रांस में 29% है। 2014 में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 में 25% से ज्यादा विचाराधीन कैदी एक साल से ज्यादा वक्त से हवालात में बंद थे। जम्मू कश्मीर 54% के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद गोवा और गुजरात का स्थान है। शुद्ध आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। दोस्तों, अगर भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करें तो विचाराधीन कैदियों के लिए उनके दोषी सिद्ध होने से पहले तक निर्दोष माना जाता है, लेकिन जेल में बंद किए जाने के दौरान उन्हें अक्सर मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं और लगभग अमानवीय से जिंदगी वो जीने लगते हैं। इनमें से कई अपने पारिवारिक, आस पड़ोस और समुदाय के रिश्तों के साथ साथ प्रायः अपनी आजीविका भी गंवा देते हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि जेल में बिताया गया समय उनके माथे पर एक व्यक्तिगत इकाई के तौर पर ही नहीं, समुदाय के सदस्य के तौर पर भी सामाजिक कलंक लगा देता है। यहाँ तक कि उनके परिवार, सगे संबंधियों और समुदाय को भी उनकी बिना किसी गलती के शर्मिंदगी और अपमान झेलना पड़ता है। देश के विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े मामलों की संख्या 3.1 करोड़ के आसपास है, जिसे किसी भी लिहाज से बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। ऐसे में ये मानकर चला जा सकता है कि किसी प्रभावशाली हस्तक्षेप की गैर मौजूदगी में भारत की जेलें इसी तरह भरी रहेंगी। विचाराधीन कैदियों की कानूनी प्रतिनिधियों तक पहुंच काफी कम होती है। कई विचाराधीन कैदी काफी गरीब हैं, जो मामूली अपराधों के आरोपी हैं। अपने अधिकारों की जानकारी ना होने और कानूनी सहायता तक पहुंच ना होने के कारण उन्हें लंबे समय तक जेलों में बंद रहना पड़ता है। वित्तीय संसाधनों और मजबूत सपोर्ट सिस्टम के अभाव और जेल परिसर में वकीलों से संवाद करने की ज्यादा क्षमता ना होने के कारण कानून की अदालत में अपना बचाव करने की उनकी शक्ति कम हो जाती है। ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बावजूद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तजवीज की थी कि संविधान का अनुच्छेद 21
चीज बंदियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार देता है। भारत की सबसे बड़ी जेल जिसके नाम से कैदी भी कांपते हैं। दोस्तों, हम सबने कई फिल्मों में देखा होगा कि जेल कैसी होती है और कितनी खतरनाक होती है। आज हम जिस जेल के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके नाम से कैदी कांपते हैं, क्योंकि ये भारत का सबसे खतरनाक जेल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तिहाड़ जेल की, जहां पर खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। तिहाड़ जेल एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। इस जेल के कैदियों को आपस में मारपीट झगड़ा होना एक साधारण सी बात है। बता दें कि इसका निर्माण 1957 में खतरनाक कैदियों के लिए किया गया था। ये जेल दिल्ली की सबसे छोटी जेल थी, लेकिन इसमें कैदी बढ़ते चले गए और इसको बड़ा बनाना पड़ा। ये जेल केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। हैरानी की बात यह है कि इस जेल में क्षमता से अधिक कैदी रखे जाते हैं। भारत की सबसे सुरक्षित जेल होने के बाद भी इस जेल की सुरक्षा में कमी है। इस जेल में 900 कमरे हैं। दोस्तों, ईश्वर ना करे कि किसी को जेल जाने की जरूरत पड़े। यकीन मानिए, ये किसी के लिए जिंदा मौत के समान ही है। आज भी ये बात 100% सच है कि जो हमारे देश में ताकतवर लोग हैं जो जेल जाने से बच जाते हैं, लेकिन वहाँ कई ऐसे मासूम लोग हैं जो कि इस जेल को अपनी लाइफ से अलग नहीं कर पाते। ऐसा लगता है मानो दुनिया का सारा नियम इन्हीं के ऊपर लगा दिया गया हो, लेकिन क्या ही कहा जाएगा, ऐसे ही चलता आया है और न जाने कब तक ऐसे ही चलेगा। इतना तय है कि जेल की जिंदगी से कहीं ज्यादा अच्छी चीज है कि आप नियम कानून से ही चलें और समाज के साथ चलें, नहीं तो जेल सबको सही कर देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।